नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सेल्फलेस सर्विस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं दिव्यांब में, दिव्यांब जो कि धेनु सेवा संस्थान का ही एक अंग है, और इस दिव्यांब में हमने एक बहुत ही खूबसूरत तालाब का निर्माण कराया है, जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे। बहुत ही सुंदर जल भराव है और लगभग 3 एकड़ की भूमि पर इसे हमने तैयार किया है। और ये जो आप मेढ़ देख रहे हैं, भविष्य में इस मेढ़ पर हम एक बहुत ही सुंदर प्लांटेशन तैयार करेंगे, जिसमें मेढ़ के चारों तरफ जो है हरे भरे वृक्ष होंगे। और ये जो तालाब बनाने का उद्देश्य है, वो एकमात्र उद्देश्य जल का संरक्षण करना, साथ ही गर्मी की ऋतु पे गाय और अन्य जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार दिव्यांब आए थे, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो पेयजल की थी। तो हमने और हमारी टीम ने सबसे पहले निर्णय ये लिया कि हम एक तालाब का निर्माण कराएंगे जो प्रकृति को समर्पित होगा। साथ ही हमने पहले की वीडियो में आपको बताया कि हमने 3 एकड़ की भूमि में लगभग पूरे में 400 से 500 पौधों का वृक्षारोपण किया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तालाब के निर्माण में लगभग हमें 10 दिन का समय लगा, और 10 दिन के समय में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हम उस पर सफल हुए, क्योंकि बारिश भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही दोस्तों, ये जो मेढ़ आप देख रहे हैं, भविष्य में इसमें बहुत ही सुंदर मार्ग का निर्माण होगा, और वो मार्ग फलदार वृक्षों से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, तालाब निर्माण के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है जल और मृदा का संरक्षण, और मृदा का संरक्षण उसकी क्षमता से, उर्वरक क्षमता से। तो जैसा कि हमें पता चला कि यदि तालाब का निर्माण हम कराते हैं, तो हमारे आसपास की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट। निर्माण के बाद एक बड़ी समस्या थी हमारे पास, तालाब की मेढ़ को सुरक्षित रखना, क्योंकि बारिश के पानी में इस मेढ़ का, देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे कटाव हो गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस मेढ़ को थोड़ा मजबूती की आवश्यकता होती है। और पुराने समय में जिस पद्धति का उपयोग किया जा रहा था, वो घास और ये तिल, ये जो है हमारी मेढ़ की मिट्टी को कहीं ना कहीं पानी से कटने से बहुत बचाव करता है। तो दोस्तों, मेढ़ बनाने के बाद हमने सबसे पहला काम जो है वो तिली की बुवाई और ये दूरवा घास, जो कि हमारी मेढ़ को संरक्षित करने में बहुत सहायक होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, विशेषकर मैं जो बड़े किसान हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास 10, 20, 25, 50 एकड़ जितनी भी भूमि हो, कम से कम 1 एकड़ के भूमि पर एक छोटे से तालाब का निर्माण करें, और इस प्रकृति माँ को एक उपहार स्वरूप उस तालाब को भेंट करें। बहुत बहुत